राजधानी लखनऊ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जा रहा है जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं भागीदारी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने भी स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। चारबाग में अम्बेडकर प्रतिमा के पास डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लगाया झाड़ू। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। आज हम सबके जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। प्रातः काल से ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यकर्ता अपने घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश को स्वच्छता का वातावरण देने के लिए घरों से निकल करके जन जन को जोड़ करके एक बड़ी मुहिम छेड़ने का काम किए हैं। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा में भागीदारी करके प्रदेश को स्वच्छ व प्रदेश को एक बेहतर वातावरण देने का काम करें। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस के अवसर पर लाखों लखलख बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब की उम्र उन्हें लग जाए। हम सब जानते हैं कि 2014 से लेकर के अब तक भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर प्रगति की हो, चाहे रक्षा क्षेत्र का मामला हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र का मामला हो, सभी क्षेत्रों में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में भारत दुनिया के पैमाने पर कदम ताल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे अपने यशस्वी नेता आदरणीय मोदी जी को मैं पुनः ढेर सारी जन्मदिवस की बधाइयां देता हूं। सर, 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं केंद्र सरकार के 100 दिन के पूरे होने पर कल आपने देखा आदरणीय मोदी जी ने एक नई हमें आधुनिक अत्याधुनिक ट्रेन का सौगात देने का काम किया है। और इन 100 दिनों में जहां विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, माननीय मोदी जी ने अपने जो संकल्प पत्र था उसे पूरा करते हुए देश की प्रगति का एक नया खाका खींचने का काम किया है।